तो रात हो चुकी है और फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो गाड़ी है वो इस टाइम मेरे सामने है। क्या हाल चाल है? अस्सलामुअलैकुम शपैकिंग, उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आपका भाई आ रहा है जैसे एकदम शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। ये जो इतनी एनर्जी और इतनी एक्साइटमेंट है ये इस वजह से कि आपके भाई की इंशाल्लाह आज नई गाड़ी आने वाली है। आप लोग मेरे इस YouTube के सफर में हमेशा मेरे साथ रहे हो, आप लोग मेरी फैमिली की तरह हो। हम लोगों ने पेंथर लिया, शिक्रा लिया, ट्रॉफी ली, सब आप लोगों की दुआओं के साथ साथ ये चलता है। हर चीज आपके साथ शेयर करता हूँ क्योंकि मुझे फिर जब मैं आपसे शेयर करता हूँ तो मुझे बहुत अच्छी अच्छी दुआएं मिलती हैं। बहुत से अंकल आंटीज बच्चे सब मेरे बहन भाई आप लोग देख रहे होते, तो जब कोई चीज भाई की जिंदगी में होती है तो नीचे कमेंट्स में मैसेजेस में इतनी दुआएं आ रही होती हैं। तो आज भी ये जो हमारा स्पेशल मोमेंट होने वाला है मैंने सोचा इसको आप लोगों के साथ जरा मिलके इस पूरे टाइम को आज गुजारा जाए। तो गाड़ी चेंज करने का प्लान बना, मेरी जो होंडा सिविक है वो मैंने पार्कव्हील्स पे उसका एड लगाया, सेल इट फॉर मी, पार्कव्हील्स की टीम आई, उन्होंने उसकी पिक्चर्स ली, वो गाड़ी पार्कव्हील्स पे चली गई और उसके बाद अब वो सुनील भाई के पास पहुंच चुकी है, उसकी कोई फाइनल डील चल रही है। सेम दूसरी गाड़ी जो आने वाली है वो आपको इसी वीडियो में पता तो लग जाएगा, लेकिन जल्दी जल्दी नीचे जाके गेस कर लो कौन सी गाड़ी होने वाली है। फास्ट फॉरवर्ड करके आगे जाके देख के चीटिंग करके नहीं करना, नीचे अभी सही सही वाला पहले कमेंट करो, गेस करो कौन सी गाड़ी होने वाली है, फिर आगे जाके आपको इसी वीडियो में पता लगने वाला है कि कौन सी गाड़ी है। तो फिलहाल गाड़ी की अभी ये है कि गाड़ी देख ली है, पार्कव्हील्स की टीम वहां पहुंची हुई है, उसकी इंस्पेक्शन हो रही है गाड़ी की। बट अभी गाड़ी एक दफा इंस्पेक्शन की रिपोर्ट आएगी, फिर जाके उसको एक नजर मारेंगे, देखेंगे कौन सी गाड़ी है। और बहुत एक्साइटेड हूं, मुझे नहीं पता क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, बस आपने दुआ करनी है कि ये जरा डील आज डन हो जाए। फिलहाल हमारा गैराज क्यों खाली है, क्योंकि एक गाड़ी मेरी ऑलरेडी सुनील भाई के पास जा चुकी है सेल होने के लिए, दूसरी गाड़ी इस टाइम महा के पास है। तो भाई इस टाइम पैदल बाइक्स यहाँ पे खड़े हैं, बट बाइक अभी मैं राइड नहीं कर सकता क्योंकि मैं हेलमेट अभी फिलहाल ले नहीं सकता। तो मैं अभी जरा कोई गाड़ी शाड़ी मंगवाऊंगा, फिर उस पर जाता हूँ और जाके देखते हैं क्या सीन है। गाड़ी गाड़ी आ चुकी है, गाड़ी आ चुकी है। गर्मी जरा तेज नहीं होनी शुरू हो गई है जी, कुछ ही दिन रह गए मेरे ख्याल। बड़ी ठंड थी सुबह। अच्छा, अभी जो धूप निकली है असल में वो बारिश हुई ना, ओला झालाबारी हुई है। जी जी, दो चार दिन में सही हो जाएगी अभी, लेकिन इस टाइम धूप बड़ी तेज हो जाती है ना। साडा जे पंजाबी महीना फगण 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 कंदी लगन कंदी लगन जे तो पता परछावा पालदा फिर साया। हाँ जी हाँ जी, कंदा दा वसाया हुंदा ना फिर कंदी लगन फगण फगण कंदी लगन। बस अल्लाह करे थोड़ा जे होर महीना जरा मौसम चंगा टपा जावे ना, हले ते गर्मी बहुत तेज हो गई। रोजियां दा महीना टपा दे। जी जी जी, आमीन आमीन। अस्सलाम वालेकुम जनाब। सलाम, क्या हाल है? मैं टैक्सियों पे फिर रहा हूँ, मेरी गाड़ी आप मजे लेते फिर रहे। गाड़ी ले ले। अच्छा भाई, वैसे तो हम लोग आए थे यहाँ पे अभी गाड़ी सिर्फ देखने के, एक नजर मार लें गाड़ी पे, लेकिन जो इमरान भाई हैं ये मेरा ख्याल है कहते हैं कि जब तक चीज हो ना जाए तो उठो ना, लेके जाओ। ओके जी, सो हम अपनी नई गाड़ी लेके आ चुके हैं बॉस मैन के पास। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? गाड़ी लेने के बाद जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आपकी गाड़ी आपने पसंद की और बाकी फोन पे चलती रही है चीजें? फोन होता रहा, मैं क्योंकि था नहीं, लेकिन आपके साथ एक ने अकलमंद मशीदा भेजा था जो अकलमंद हो गया। अच्छा, तो गाड़ी सुनील भाई ने पसंद की थी, फिर उसके बाद फोन पे बातें होती रही, फिर पार्कव्हील्स की पूरी टीम गई, इंस्पेक्शन हुई और मेरा तो दिमाग खुल के रह गया कि जो इंस्पेक्शन ये पार्कव्हील्स वाले करते हैं उसमें एक पूरा वो उसका आता है, मतलब पूरा क्या कहेंगे उसको, फॉर्म आता है, पूरा फॉर्म है। अब वो जो रिपोर्ट है मैं दिखा भी दूंगा वीडियो में, उसमें आप जरा बताएं उसमें रिपोर्ट में क्या क्या चीजें थी, कितनी बारीकी थी रिपोर्ट के अंदर? इतनी थी बारीकी होती कि अगर आपके पास एयरलाइन निशान भी गाड़ी का वो भी नजर आएगा, फिर आप उस पर क्लिक करेंगे तो तस्वीर भी दिखाएगा, इस तरह गाड़ी का मैकेनिकल, इंजन, इलेक्ट्रिकल, पेंट, टायर, एवरीथिंग, मतलब आप यहाँ बैठे हुए बगैर जाए गाड़ी के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं गाड़ी में क्या क्या खराबियां हैं, क्या क्या चाहिए। मैंने भी पांच गाड़ियां लास्ट कमरे से बाहर जाए बगैर ली। अच्छा, वही सीन हुआ है पार्कव्हील्स की टीम गई, इन्होंने मुझे पूरा फॉर्म भेजा, वो तकरीबन इतना डिटेल्ड वो फॉर्म है पूरा कि वो तकरीबन 15 मिनट में मैंने उसको पूरा चेक किया और चेक करने के बाद मुझे ये था कि मैं जो है ना वो तसल्ली है गाड़ी की। फिर भी हम लोग गए जाके नजर मारी, अभी गाड़ी हमारी नीचे आ चुकी है, सुनील भाई उसको एक और दफा फाइनल देख लेंगे, फिर मैं आप लोगों को बाद में दिखाऊंगा। अभी फिलहाल हमारी यहाँ पे कॉफी शॉफी चल रही है क्योंकि सामने मशीन लगी हुई है और इमरान भाई जो कप उठाते हैं बटन दबाते हैं और अन्नी डाल देते हैं। इस टाइम चल रही है जी टेस्ट ड्राइव और काफी सारे लोगों को ये शॉट देख के पता लग रहा होगा ये गाड़ी है कौन सी। सुनील भाई मजे कर लिए तो कमाल हो गए, नहीं मजे बेहतरीन करा रही है।
सही गाड़ी चाल चलन में वो कहते ना आंधी आंधी दी टोर वेखो आ गया मजा कहते हैं आ गया मजा इमरान भाई रुल गए और चाय समय आ गई मैं क्यों रुल गया अब सुबह से मेहनत कर कर मेहनत इमरान भाई की वो दे रहे हैं कि आपने हमारे लिए काम किया ऊपर से आप गलत इमरान भाई की बहुत मेहनत है इस गाड़ी को देखने करने में लेकिन अभी तो रात हो चुकी है ओ पाई गया ओए गाड़ी रिवर्स करते हुए बंदा थल्ले देता है देख रहा था आपने बीप 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 आपने बंदा नीचे कराया वो जिसको लगी है वो भी पूरा साथ ही है खैर आप लोगों गाड़ी में दिन में दिखाऊंगा क्योंकि रात हो चुकी है जरा इसका दिन में मजा आएगा ड्राइव एंजॉय करें यस ओके सो लेडीज एंड जेंटलमैन अगला दिन स्टार्ट हो चुका है और फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो गाड़ी है वो इस टाइम मेरे सामने कल शाम सब घर वालों ने देखी माहा अम्मी अबू हसन सबको बहुत पसंद आई सब माशाल्लाह बहुत खुश हैं अल्लाह का बहुत एहसान है और अब बारी है कि मैं गाड़ी आप लोगों को दिखाऊं इस टाइम सामने मेरे ऐसे जबरू गबरू माशाल्लाह खड़ा हुआ क्या नजर आ इस गाड़ी को क्या कहते हैं गड्ढा मतलब वो आ रहा है या वो आ रही है ये आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताना है इसके बारे में क्या बोलते हैं 3, 2, 1 तो ये जी माशाल्लाह हमारी नई टोयोटा फॉर्च्यूनर और खूबसूरत माशाल्लाह ब्लैक कलर में मैंने अभी तक जितनी भी गाड़ियां रखी हैं मैंने कभी कोई ब्लैक कलर में गाड़ी नहीं रखी तो इस बार मैंने सोचा कि ज़रा ब्लैक कलर में फॉर्च्यूनर लेते हैं क्योंकि फॉर्च्यूनर की जो एक ग्रेस है वो ब्लैक में बिल्कुल अलग है माशाल्लाह खूबसूरत और ब्लैक कलर विद बेज इंटीरियर ओए ओए मैनू मेरी गाड़ी नहीं मैनू खोलन दे रही अपने आप नू ओके सो ब्लैक विद बेज इंटीरियर और माशाल्लाह आपको इंटीरियर की कंडीशन से भी पता लग सकता है कि गाड़ी कितनी साफ़ है और इतनी लो माइलेज पे ये गाड़ी है कि आप समझ लो जिन्होंने रखी हुई थी वो बिल्कुल एक कोई शौकीन इंसान थे इतनी माशाल्लाह साफ कंडीशन आपको नज़र आ रही है 2020 का ये मॉडल है और माशाल्लाह ये गाड़ी अपनी फुल फॉर्म में वो होता है ना कि एक चीज़ अपनी पूरी शेप में होती है तो अल्लाह का एहसान है कि माशाल्लाह ये गाड़ी हमारे पास आ चुकी है और अभी हमें लगेज का कोई मसला नहीं होने वाला अगर कोई लॉन्ग ट्रिप है क्योंकि आपने रिसेंट वीडियोज़ में देखा होगा जब हम बॉयज़ जाते हैं तो वो ना पीछे सामान तो ना होता है और फिर थोड़ा सा पीछे वाले तंग हो रहे थे तो अल्लाह का शुक्र है वो वाला काम अब हमारा इजी हो जाएगा अगर हम इसमें भी कोई भी ट्रिप करेंगे तो इजीली पीछे सुकून से जितना मर्जी इसके अंदर लगेज डालो और बेशक फिर हुंजा जाओ और जहाँ तक मर्जी जाओ अल्लाह का एहसान बहुत शुक्र अल्लाह का आप लोगों की दुआएं माँ बाप की दुआएं और बस लें जी बिस्मिल्लाह अपनी शपैक गैंग के साथ फॉर्च्यूनर का पहला स्टार्ट ओए होए 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 आप लोगों के साथ ये पहला स्टार्ट था अदरवाइज मैं कल से मेरे पास ये गाड़ी माशाल्लाह खूबसूरत ड्राइव और गाड़ी को चलाने की जो एक फील है वो जो फॉर्च्यूनर के बारे में सुना हुआ था वो सही है इसको चलाने की जो फील और आप इस तरह से ना एक मजा आता है इस गाड़ी को चलाने में ओके जी सो ये फॉर्च्यूनर सिग्मा 4 2.8 डीजल और इसमें पेट्रोल भी आता है डीजल भी आता है बट हमारी जब भी फॉर्च्यूनर के बारे में बात हुई है तो मैंने यही सुना है कि डीजल बेहतर है इसके अंदर पेट्रोल जो है वो फिर आपका बैंक बैलेंस खाली करा देता है वैसे पेट्रोल जो है वो डीजल इंजन से सस्ता आता है फॉर्च्यूनर में बट बाद में वो आपकी जेब पे बहुत भारी हो जाता है तो इसके अंदर ज्यादा सक्सेसफुल डीजल है और कलर ब्लैक और वाइट ये दो मोस्ट फेमस कलर्स हैं पाकिस्तान के अंदर फॉर्च्यूनर के जो बहुत ज्यादा सेल होते हैं काला के चिट्टा और वाइट जो है यार मैंने पहले वाइट गाड़ियां रखी हैं फिर उसके बाद वो एमजी वो भी वाइट है तो फॉर्च्यूनर के बारे में जो है ना वो वाइट मुझे पसंद बहुत ज्यादा है बट इसकी ब्लैक की एक अपनी ग्रेस है फॉर्च्यूनर में तो मैं सोचता था कि यार फॉर्च्यूनर लूंगा ना कभी तो फिर वो ब्लैक कलर में लूंगा तो वो अल्लाह का शुक्र है कि हमें ब्लैक इतना अच्छा मिल गया कि वो एक तरह से वो दुआ जो है वो पूरी होगी और ब्लैक कलर लेने की एक और रीज़न ये है कि हम इसको ऐसे ही नहीं रखने वाले हम इस पर काफ़ी सारी चीज़ें करेंगे अभी इसकी ज़रा न्यू लुक डिसाइड होगी और फिर इस पर हम थोड़ा सा काम करेंगे कि इसकी क्या लुक बनानी है थोड़ी और एग्रेसिव होनी चाहिए तो वो अभी फिलहाल सारी चीज़ें होंगी अभी मैं आ चुका हूँ जी रिंग रोड पे और अभी रिंग रोड पे फॉर्च्यूनर का ज़रा लॉन्ग वाला मज़ा भी आ जाएगा फिलहाल मैं जा रहा हूँ कुछ पेमेंट वगैरह थोड़ी बहुत जो रहती है वो क्लियर करेंगे उसके अलावा सिविक के जो पेपर हैं वो यहाँ पड़े हुए हैं तो वो भी हमने उनको हैंड ओवर करने हैं और आज सारा मतलब वो फाइनल प्रोसेस होगा फिर उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमने अपने फॉर्च्यूनर की क्या लुक बनानी है यार बिल्लू भाई ये कौन से ब्रांड्स की आप पहनने लग गए चीजें यार इतनी क्लास की चीजें यार हमारे अपने ब्रांड की पहनी हुई है जी स्वेटशर्ट चलें जी मूसा साहब हाँ जी कैसी फील में गाड़ी बहुत साफ है माय अदर बिल्लू इज हियर काली मतलब क्या सीन है माड़े बंदे नु भी जरा कोई सैर कर लें दो
माशाल्लाह। ओह माय गॉड, इस बंदे की मैंने घर पे अगर चोरी की ना तो जूतों की चोरी करनी है किसी दिन। कोई प्राडो वर्सेस फॉर्च्यूनर टग ऑफ वॉर हो जाए। मैंने बड़ी टग ऑफ वॉर की वीडियोस देखी है पिछला। नहीं भाई, आपने ले लिया ये 2.8 तो ऐसे ही हम पंगा लेंगे। हम टग ऑफ वॉर भी वहां लगाते हैं, हमें पता होता है कि हम जीत जाएंगे तभी हम लगाते हैं, वरना टग ऑफ वॉर भी नहीं लगाते। लेकिन बड़ा फर्क है, मेरे पास थी पेट्रोल और उसका, और इसका बहुत फर्क है पिक वगैरह में। हाँ, पिक में भी, और वैसे ही ना लाइक गाड़ी का वजन कैसे मैं कहूँ, लाइक सॉलिडिटी है गाड़ी में, वो ना बिल्कुल ही लगता था कि हवा में ही जा रही है। चलो शुक्र है फिर डीजल ले लिया है। हाँ, ये बड़ी अकलमंदी की है। मैंने भी जब खरीदी थी ना, मुझे सबने यही कहा था और मैं उन्होंने उस टाइम सुनी नहीं थी, लेकिन अब मुझे रियलाइज हो रहा है कि वो सही था। मैं तो प्रॉब्लम खुद बहुत जल्द फॉर्च्यूनर स्क्वाड में वापस आ रहा। अच्छा, मजे की बात है कि जिस टाइम मैंने एमजी बुक करवाई थी, एमजी भी मैंने ब्लैक बेज में बुक करवाई थी, बट उस टाइम एमजी की डिलीवरीज का जो है वो मसला चल रहा था, तो एंड पे उन्होंने मुझे व्हाइट और बेज दे दी थी। तो वो ब्लैक में और कुछ महीने थे तो तब सबर हो नहीं रहा था, फिर मैंने व्हाइट ही ले ली थी। तो अल्लाह का शुक्र है कि अब जाके जो ब्लैक कलर की ख्वाहिश है वो पूरी हो गई है। बस आप लोगों ने दुआ जरूर करनी है भाई के लिए। क्या हाल है? थैंक यू, लव यार, लव, थैंक यू सो मच, थैंक यू भाई, आपकी दुआएं हैं। अल्लाह हाफिज, अल्लाह, थैंक यू यार, थैंक यू, थैंक यू। खैर जी, यहाँ से पे ऑर्डर रिसीव करना था, वो रिसीव हो चुका है। अब मैं जा रहा हूँ पार्क व्हील्स के ऑफिस। गाड़ी का भाई हमारा मामला डन हो चुका है। सुनील भाई, ऑल गुड, बेहतरीन, सही है। और फिर सुनील भाई के ऑफिस आओ तो नेंडोज जो है ना वो लाजमी मिलता है यहाँ पे। सारे आ जाओ, इतने नेंडोज दी, गाड़ी खरीदना जरूरी है। बकरा खरीदो तो साथ ये फ्री, इस तरह तो अभी रोटी छोटी चल रही है भाई फुल यहाँ पे। मैं क्यों खा रहा हूँ, मैं नहीं मंगाया। खिला रहे हो, ये पूछ रहे हैं। वो एक क्रिस्पी क्रीम वाली भी कहानी थी, वो ये नेंडोज भी बाजे पता रहा है। जलाब संस का, ये जलाब संस का था कि नेंडोज है ये बाकी आपने भी गए से 4 बजे लंच हो रहा है भाई यहाँ पे, 4 बजे नाश्ता नहीं किया हुआ और ये 10 बजे से उसके साथ है। 4 बजे पूछ रहे क्या मंगाओ, ये 2:20 आज टुडे ठीक है क्या? 2:20 पे मैंने ही पैसे ट्रांसफर किए हैं उसको और मैंने ही मंगाया। वो कह रहे की आपने पैसे नहीं दिए, पैसे किसी और ने दिए। 2:20 पे पाए ने, पाए पक्के आए ने? नहीं, हाँ आया भैया, गाड़ी की डील हो रही थी। ये आप बार बार मैंने पैसे ट्रांसफर किए, मैंने ट्रांसफर किए, मैंने ट्रांसफर, ये कह रहे हैं कि अब आप उसमें अपने ऑफिस के लंच वाले खाते में लिखे इसको। वो पीछे कह रहे हैं कि रानी पैसे आपने भी दिए और अली ने दिए। हो सकते पैसे मेरे हो। नहीं भाई आपके नहीं है, मैंने हो सकता है मेरे हो, आपकी नहीं। शुक्र है कैमरे पे 3 दफा रिकॉर्ड आ गया, मेरे नहीं है। उन हिसाब से आए ना तो मैं दसांगा। तो ये थी लेडीज एंड जेंटलमैन हमारी आज की वीडियो। भाई घर पहुंच चुका है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों की दुआएं हैं। और प्लीज यार दुआओं में मुझे आपने याद रखना है, जिस तरह आप करते हो हमेशा, दुआएं भेजते हो, इतना प्यार करते हो, इसी तरह हमारे लिए, हमारी नई गाड़ी के लिए आप लोगों ने बहुत दुआ करनी है। एक चीज़ इंसान ले तो लेता है, असल दुआ ही होती है कि अल्लाह ताला वो नसीब में करे, अल्लाह ताला उस चीज़ को इस्तेमाल करना नसीब में करे। तो ये दुआ आप लोगों ने लाजमी करनी है। खैर, थैंक यू सो मच यार आप लोगों की ये जो दुआएं और मोहब्बत है सब के लिए। इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो मस्त लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें, कुछ भी करें। भाई को दुआओं में याद रखना, इंस्टाग्राम पे फॉलो मस्ट है। अल्लाह हाफ़िज़।